सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम प्रणाम मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपकी सेवा में, आपके खिदमत में सी नारायण लेकर दिन विशेष जो है 2 जून के उपस्थित हो गया हूँ। तो सबसे पहले आपको मेरा सस्नेह नमस्कार। और आज का ये दिन विशेष जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज के और आज का सुविचार और आज का सवाल, तो ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारियों से भरा एक ही पैकेज है भाई, जिसका नाम है दिन विशेष विद NGC यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कॉमेंट्स कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये रहा आज का सुविचार। सुविचार ये है, जीवन में इतना व्यस्त रहिए कि पछतावा, दर्द, दुख, नफरत के लिए समय ही ना रहे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। फिर एक बार, जीवन में इतना व्यस्त रहिए कि पछतावा, दर्द, दुख, नफरत के लिए समय ही ना रहे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। ये हुआ आज का सुविचार। और अब आज का सवाल, सवाल ये है, वो कौन सा जीव है जो जीप के बजाय पैरों से स्वाद लेता है? है ना भाई, आज का रोचक सवाल। ऐसा जो कौन सा जीव है बताइए जो जीभ के बजाय पैरों से स्वाद लेता है। तो दिमाग की बत्ती जलाइएगा और ढूंढिएगा सवाल का जवाब। अगर उत्तर ना मिले तो मैं हूँ ना, अंत में आपको इस वीडियो के उत्तर दे दूँगा। तो चलिए बहनों भाइयों, शुरू करते हैं अब आज के खास दिनों की ओर। आज का खास दिन कौन सा है भाई? आज का दिन है विश्व यौन कर्मी दिन। विश्व यौन कर्मी दिन ये पूरे दुनिया में मनाया जाता है और कारण इसका यह है कि 1975 में आज ही के दिन लगभग 100 यौन कर्मियों ने अपनी शोषणकारी जीवन स्थितियों और कार्य संस्कृति के बारे में गुस्सा व्यक्त करने के लिए फ्रांस के ल्योन में, ल्योन नामक एक जगह है, ल्योन में संत निजियर चर्च पर कब्जा किया और 10 जून को पुलिस ने इस चर्च पर छापा मारा। ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन माना जाता है और इसी की याद में ये दिन मनाया जाता है। और आज तेलंगाना स्थापना दिन है, यानी तेलंगाना इस राज्य की आज स्थापना हुई थी। तो चलिए भाइयों, बहनों, भाइयों, आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज के दिन विशेष को जो है 2 जून के। सबसे पहले ये रहे कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1896 में गुग्लेमो मार्कोनी, इनको रेडियो का पेटेंट मिला। 1946 में राजा उम्बेरतो द्वितीय, इनको हटाकर राज्यशाही खत्म की गई और इटली देश प्रजासत्ता घोषित किया गया। 1949 में दक्षिण अफ्रीका ने गोरे लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को द्वियम नागरिक करने का कानून किया। 1953 में इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ द्वितीय, इनका राज्याभिषेक हुआ। 1979 में पोप जॉन पॉल द्वितीय अपने स्वदेश यानी पोलैंड भेंट देने आए और कम्युनिस्ट राज्य को भेंट देने वाले ये पहले पोप रहे। 1999 में भूटान में दूरचित्रवाणी प्रसारण की शुरुआत हुई। 2000 में लेखिका अमृता प्रीतम, इन्हें दिल्ली सरकार का 11 लाख का इस सहस्त्र की कवयित्री, उत्कृष्ट कवयित्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। 2014 में तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना। 1909 में अल्फ्रेड डेकिन तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने। 2011 में भारत ने राजीव गांधी आवास योजना के पहले चरण को मंजूरी दे दी। 2012 में इजिप्ट के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक, इनको इजिप्ट की क्रांति के दौरान उन्हें कारावास किया गया। 1948 में
शेतकरी कामगार पक्ष जो महाराष्ट्र में है इसकी स्थापना हुई 1948 में। 2004 में ऑस्ट्रेलियन मॉडल जेनिफर हॉकिंस को विश्व सुंदरी का खिताब मिला। 2006 में दाऊद इब्राहिम के आतंकवादी संगठन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था। 1947 में लॉर्ड लुई माउंटबेटन इन्होंने भारत के विभाजन की घोषणा की। 1966 में अमेरिका ने पहले प्रयास में ही चांद पर अंतरिक्ष यान उतारा। 1996 में यूक्रेन ने अपने परमाणु योद्धास्त्र रूस को सौंप दिए और परमाणु मुक्त देश बना। 2005 में भारत, रूस और चीन का व्लादिवोस्तोक सम्मेलन समाप्त हुआ। तो ये हुए भाई आज के ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के देखते हैं जन्मदिन जो है 2 जून के। भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर यादव 1929। राजनेता अनंत गीते 1951। निर्माता निर्देशक मणिरत्नम 1955। भारतीय उपक्रमी नौकरशाह नेता सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी 1955। महिला तीरंदाज खिलाड़ी डोला बैनर्जी 1980। महान संगीतकार इलैया राजा 1943। जॉर्ज वॉशिंगटन इनकी सुविद्य पत्नी मार्था वॉशिंगटन 1731 में जन्म हुआ। इंग्लिश लेखक कवि थॉमस हार्डी 1840। मराठी नाटककार लेखक विष्णु विनायक बोकील 1903। अमरीकी अंतरालवीर पीट कॉन्राड 1930। अभिनेता आनंद अभ्यंकर 1963। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खिलाड़ी मार्क वॉ 1965 और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खिलाड़ी स्टीव वॉ 1965। ये दोनों जुड़वा भाई है। अमेरिकी चेस प्लेयर गाटा कामस्की 1974। गुजराती लेखक चिमनलाल त्रिवेदी 1929। गुजराती फोक सिंगर दिवालीबेन भिल 1943। अभिनेता अंजन श्रीवास्तव 1948। अभिनेता नितेश भारद्वाज 1963। अभिनेत्री शुभांगी गोखले 1968। गायिका काजी तौकीर 1985। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, ये गायिका भी है, 1987। अभिनेत्री तेजस्वी प्रधान 1988। अभिनेता मकबूल सलमान 1988। सिंगर वेदाला फेमा चंद्रा 1988। भारतीय धावक ललिता बाबर 1989। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मारुति भापकर 1970 और अभिनेत्री हेमा शंकर 1987। तो ये हुए आज के जन्मदिन। जी हाँ बहन भाइयों, अब आज के स्मृति दिन जो है 2 जून के। इटली के क्रांतिकारक जुसेप्पे गैरिबाल्डी 1882 में इनकी मृत्यु हुई। भारतीय पदार्थ शास्त्री देवेंद्र मोहन बोस 1975। अभिनेता दिग्दर्शक निर्माता राज कपूर 1988। ब्रिटिश अमेरिकी नाट्य अभिनेता हॉलीवुड अभिनेता रैक्स हैरिसन 1990। मराठी संस्कृति के जर्मन अभ्यासक डॉक्टर गुंथर सोनथाइमर 1900
92 पद्मभूषण से सम्मानित वैज्ञानिक प्राणकृष्ण पारिजा 1978 भारतीय कार्डिनल दुर्यसामी साइमन लॉर्डोसामी 2014 पॉलिटिशियन श्रीकांत जिचकार 2004। तो ये हुए आज के दिन विशेष। जी हाँ बहनों भाइयों, और अब आज का सवाल जिसका जवाब देना बाकी है बहनों भाइयों, तो सवाल ये है, वो कौन सा जीव है जो जीभ के बजाय पैरों से स्वाद लेता है? तो ये है जीव जिसका नाम है तितली। भाई तितली सिर्फ अपने पैरों से ही स्वाद लेती है जीभ के बजाय, ये एकमात्र ऐसी जीव है। तो चलिए बहनों भाइयों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा। तो बहनों भाइयों श्री नारायण को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार बहनों भाइयों, अलविदा।